केस पकड़ नहीं देना पड़ता, कोई मर्जी हो रही। और ममता दीदी कहती है 500 रुपया लिया और इसमें क्या गया। अरे ममता दीदी आपकी बात अलग है, भतीजे का कटमनी आपके पास आता है, गरीब बंगाल के मजदूर का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है, मेरे मछुआरे का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। बताओ भैया, एक कटमनी और टोलबाजी बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ममता दीदी कहते 500 रुपये में क्या है, हम कहते हैं 5 आना भी आपका टोल मनी और कट मनी में नहीं जाएगा। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए, आपको वोट नहीं डालने दिया, प्रत्याशियों को मारा गया, व्हाट्सएप पर फॉर्म लिए गए। मुझे बताइए चुनाव भयरहित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जोर से बोलिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपना वोट डाल पाए ऐसी व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए, करिए का वोट। इस बार ममता दीदी के गुंडों को दिन में ताए दिखाई पड़ने वाले हैं, सरकार चुनिए, दीदी के गुंडे आपका कुछ नहीं मिला। मित्रों मैं आपको कहने आया, ममता जी भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं, भतीजे को जानते हैं ना, जानते हैं नहीं जानते हैं? और मोदी जी सोनार बांगला बनाना चाहते हैं, भतीजे को सीएम बनाना है या सोनार बांगला बनाना है, बताइए भाई। निर्माण करेगी तो एक क्षेत्र मछुआरे से भरा हुआ क्षेत्र। मैं आज कहने आया हूं कि हम किसानों को हर महीना 10,000 रुपया देंगे और 18,000 रुपया जो ममता दीदी ने नहीं दिया है वो भी देंगे। इसके साथ साथ मछुआरों को भी हर साल 6,000 रुपया की सहायता एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखो हम सोने के कारीगरों से भरे हुए क्षेत्र में भी उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो कि 5 लाख तक का बीमा, 5 लाख तक का आपका खर्चा दे सकते। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये 5 लाख तक का खर्चा आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, फिर से बोलो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।